होली मनाने आया। अरे सोनी परिवार हाँ जी, मेरे गांव से ओम प्रकाश सोनी और उसका परिवार है। हैप्पी होली। अरे वो सोनी साहब नहीं, ये सोनी टीवी का जो परिवार है ना, सब कलाकार ये हमारे परिवार हैं। ये हमारा परिवार कैसे हो गए यार? हम दोनों इनसे ज्यादा टैलेंटेड है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम परिवार से अलग हो गए। ये क्या यार भंग इतनी बरसाए यार है? अर्चना जी क्या सोचें कि मेरे लिए भंग छोड़ी नहीं? तो आपको क्या लगता है वो अभी तक सूखी बैठी है? अभी तक तो उसने बुलाओ, मैं खोलता हूँ पोल। हाँ जी, तो जोरदार। अर्चना जी आज स्टेज पे आई है तो 2 मिनट का परफॉर्मेंस हो ही जाए, मैं तो कहता हूँ आज जज चेंज कर ही डालते। अर्चना जी ये इसकी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि आज नजदीकी से बेइज्जती करने का उसको पहली बार मौका मिला है। हैप्पी होली। जो भी है सोहेल भाई बड़े अच्छे लगते हैं कि राम कपूर आ रहे, जगह नहीं मिलेगी बैठने को, अपनी सीट पे बैठ जाओ जल्दी जल्दी। सोहेल भाई के लिए जोरदार तालियां। आज ये कुछ भी बोलेगा। 1 मिनट भैया, बुरा नहीं मानना, सबको पता चल गया आजकल आप गोलियां बहुत खाते हो। अरे मैंने सुबह देखा गुलाल खरीदने गए, वो भी केमिस्ट की दुकान पे। एक मिनट सर, 2 लाइनें प्यार से लिखी हैं मैंने, बोलू? हाँ हाँ जरूर। थैंक यू, इजाजत है ना? हाँ बिल्कुल। इजाजत नहीं भी देते बोलनी थी। मेरी बुआ का लड़का विपुल, उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां विपुल के लिए। मेरी बुआ का लड़का, क्योंकि उसने मुझे लोन दिलवाया है, वरना ये हमारा प्रोड्यूसर जो विपुल है इसकी वजह से तो हमारे लोन लगे हुए। आइए सर, जोरदार तालियां। यानी कि श्वेता तिवारी, जोरदार तालियां श्वेता तिवारी के लिए। एक बार बता मेरे को, इधर अच्छा भला मैं बुरा था? दो बच्चों के बाप की माँ बनी हुई आगे। तेरे को पता है तेरे को कितना मिस करता हूँ मैं। कपिल मैं भी बहुत मिस करती हूँ, तुम मुझे भूल गए। देख, तेरे को पता है तेरे बिना मेरा क्या हाल किया इन्होंने? तू इधर दो बच्चों की अम्मा बनी है, इन्होंने मुझे दूध की बोतल जैसी दिखने वाली पार्टनर दे दी मेरे को। लड़के लिए गिव हिम अ बिग हैंड। एक बार बता, तेरा शो चलता है सोम से शुक्रवार, शनिवार रविवार आ जाया कर इधर। और तेरे इधर से भी 15,000 रुपया पर डे बन जाएगा। ये लोग मुझे कह रहे थे कि अगर अगली बार तू यहाँ दिखी ना, तुझे यहाँ से तड़ी पार कर बोर्ड लगा देंगे। ये कौन होते हैं ऐसा करने वाले, हम धक्के मार के निकालेंगे। मजाक किया, होली है ना, जोरदार तालियां। एक और सेलिब्रिटी है हमारे पास, बताओ कौन? जोरदार तालियां हो जाए जो पेट्रोल पंप से आए हैं। परी तुम्हें दिमाग खराब हो गया यार, पेट्रोल पंप नहीं, अपना क्राइम पेट्रोल से। यार मुझे क्या पता क्राइम क्या होता है, क्राइम तो सिर्फ निकुल या विपुल जाने। चलो गलत बात नहीं लगाया है तो, ये एक ऐसा कलाकार है जो वफादार है चैनल का, जिसने अपने नाम के आगे सोनी लगाया है। जोरदार तालियां। परी मैं सोच रहा हूँ अभी तो सोनी पे काम करते हैं, इन केस अगर ये कहीं एफटीवी पे काम करते हैं, इनका नाम क्या होता? अनूप एफटीवी। उठ जा उठ जा। अब अनूप सोनी के बारे में ज्यादा नहीं बोलना, बहुत बड़े स्टार है ये। ये स्टार है? ये अचानक स्टार कैसे हो गए? पहले तो इसी शो में धक्के खाते थे। और पाली आप यार, कैरी ऑन पाली। अगले स्टार बुला रहे हैं। 4, 2, 3, 4 एबीसी की माँ बहन ना करो, एबीसी से नहीं आया कोई भी यार, सीआईडी से आया यार। सॉरी यार, मुझे बंगाली नहीं आती, मतलब इंग्लिश नहीं आती। तो कल तो बड़ा पढ़ के बोल रहे थे जेड स्टैलेंट, मेरे को तो इधर जाना है। ऐसे मत बोल, वो बढ़ा देंगे फिर अपनी पेमेंट। एक सेकंड भाई, आपको कोई चाबी नहीं देता? ये इतने महान कलाकार हैं, दरवाजे ने तोड़ते तोड़ते फ्रिज में से पानी भी उसका दरेक तोड़ के पीते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, जोरदार तालियां, मस्का लगाओ नहीं तो बाद में मारेगा है। ये सच में बड़े ताकतवर है, ये तो बचपन में थे ना जब इतने से थे, तब भी डायपर खोलते नहीं थे, मुक्का मार के तोड़ते थे। ये तो कुछ ज्यादा बोल रहा है। अरे डायपर तो बड़े नरम होते हैं यार, 8-8 दिन ना बदलो तो सख्त हो जाते हैं। थैंक यू। कृष्णा बोल रही है, कृष्णा अबे सीनियर हूं मैं, इस शो का स्टार हूं मैं, कृष्णा जी करके बात कर मुझसे, भाग इधर से, झगड़ा देख रही है। चला, ये सेलिब्रिटी लोगों को ना मुंह नहीं लगाना चाहिए अर्चना जी, एक बार मुंह लगा लो ना इन लोगों को, तो फिर अपने आप को आम आदमी समझने लगती है हमारी तरह।
मेरे तरफ पॉइंट कर रहा है। आप सोच रहे होंगे मैंने इसको भी इतना जल्दी क्यों भेज दिया। हाँ। ये जब पूरे टाइम के लिए आएगी ना तब आपको पता चलेगा। हैप्पी होली टू एवरीबॉडी, जोरदार तालियां, होली मुबारक। मुझे आज भी याद है कि जे पिछले साल में मडेले नरचना जी के घर होली खेलने के लिए गया था, पिचकारी खरीदने के पैसे नहीं थे इनके पास। बेचारी पता क्या करती है, हाथी को लेकर ऐसे बगल में दबा दबा के ऐसे मारे, इतनी जोर जोर से पिचकारी निकल रही थी, कभी कभार तो सूंड से भी निकल रही। क्या बात है, राम कपूर जी, हमारे राम कपूर जी हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री के आज की डेट में सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें तो पर डे पेमेंट होती है, इन्हें पर स्क्वायर फीट पेमेंट होती है। ओह माय गॉड। अर्चना जी, सोहेल भाई, अक्षय कुमार क्या आजकल बहुत फेमस हैं, होली उनके बहुत सारे स्टार्स आते हैं। मैं पिछले साल गया था, अच्छा, तो भांग पीकर सिंग इज किंग के गाने पे ऐसे धुत डांस कर रहे थे। ट्विंकल मेरे पास आई, कहती यार अपने भाई को समझाओ, भांग पी के सिंग इज किंग के टाइटल सॉन्ग पे कब से डांस किया जा रहा है, भांग उतर ही नहीं रही। मैंने कहा मैडम आप एक काम करिए, सिंग इज किंग के बाद जो फिल्में रिलीज हुई है उसके गाने लगा दीजिए, 2 मिनट में उतर जाएंगे। खैर, मेरे जो पार्टनर है सूदिया, आजकल उन्होंने एक नया स्टॉल खोला है सबको होली कैसे खेलते हैं वो सिखाने का। मैं थप्पड़ मारना तेरे सुदेश, मेरे चार ठुमके क्या मार लिए, तो मेरे साथ फ्रैंक हो रही है। अरे पर ये डायलॉग तो इन्होंने भी बोला था कि थोड़ा डांस कर लिया तू तो बड़ी फ्रैंक हो गई। हाँ नहीं तो फिर भी तेरे को अकल नहीं आई। अरे सुदेश जी, क्या ऐसे बात कर रहे हो यार, बेचारी भोली भाली लड़की है यार, हमारी मेहमान है वो, आज होली का त्योहार है, अरे मेहमानों को तो कुर्सी दी जाती है। अबे बैठ कर रही है, पीछे जाके रह, किधर डिस्टर्ब कर रही है, हट भाई किधर से। ए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए ठीक है अर्चना जी, अब पूरे टाइम के लिए आएगी तो पता चलेगा आपको। खैर, ये है मेरे उस्ताद सुदेश के लिए जोरदार तालियां। भाजी तो लेट कैसे हो गए आप? एक्चुअली मेरी वाइफ की बेटा हुआ। क्या बात है, मैं बाप बन गया और मुझे खबर तक नहीं। मेरे कहने का मतलब मैं तो सिर्फ डायलॉग डिलीवरी में मेहनत कर रहा हूँ, बच्चे की डिलीवरी में आपकी मेहनत है सर। और बताओ बच्चा कैसा है? बच्चा ठीक है, पहले मैं डर गया था कि गंदी शक्ल वाला ना हो, क्योंकि पड़ोसी बहुत यार गंदी शक्ल वाला है हर तरीके का। अच्छा। लेकिन बाद में देखा बड़ा क्यूट है, इतना सा। इतना सा? इतना सा कैसे? शादी को भी तो 3 महीने ही हुए। क्या हुआ कृष्णा? ओ क्या हुआ? इतना घटिया पंच फिर से मारा था। खैर गुरुदेव, एक सीरियल आता है सोनी टीवी पे, उसकी एक हीरोइन है मौनी, वो कह रही थी कि कुछ होली के बारे में उसको सीखना है। मोनिया? हाँ हाँ मोनिया, मोनिया सर। ओ लंबी सी? हाँ वही वही लंबी सी। अच्छा बुला लो, मैं बुलवाता हूँ उसको, कुछ होली के टिप्स दीजिएगा। बुला मोनिया। हेलो कृष्णा जी। यार हाली अकेले डांस करके बेड़ा करक कर रही है, तो हमको भी शामिल करके जीजी बोल रही है। अरे भाग इधर से। अरे पर मैं देखा है ख्वाब से आई हूँ, मैं ना आपसे होली खेलना सीखना चाहती हूँ। पता है पहले ना मैं सीरियल में बहुत गरीब थी, पर अब अचानक एकदम अमीर बन गई। हाँ नहीं तो। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा क्लोज अप बनाओ। अच्छा सुन, होली के बारे में पहले तू बता कि तू क्या जानती है। होली में ना कलर्स लगाते हैं। थप्पड़ मारना, कलर लगाते हैं, सोनी लगाओ। होली हो या दिवाली, लगाओ सिर्फ सोनी। होली हो या दिवाली, लगाओ सिर्फ सोनी। काफिला तो मिला ही नहीं गुरुजी। काफिया मिलाने वाले, चेक मिला तेरे को? नहीं ना मिला, फिर जो बोलता हूँ हंसते जाओ चुपचाप, खबर आ रही है। ये बताओ होली तुम किस टाइप की सीखना चाहती हो? ये टाइप का मतलब क्या है? देखो दो टाइप की होली होती है, एक हाई फाई बहुत क्लासी होली होती है जिसमें सोहेल खान जैसे लोग, कृष्णा अभिषेक जैसे लोग, कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह जैसे लोग होते हैं, और एक घटिया टाइप की होली होती है, गरीबों टाइप की, जिसमें सिद्धार्थ जाधव जैसे और सुदेश लहरी टाइप लोग होते हैं। सिद्धार्थ जाधव भी बोला ना मैंने। खैर ये लो सुनो, बीच में यार आया था, फिर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली फिर तू करेगा। क्या बोला तूने? ओ ये ओ का क्या मतलब? लड़कियां इंग्लिश तुम्हें आती नहीं, कोई दो चार लफ्ज़ की या 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 एब्सोल्युटली राइट, वेरी नाइस, ऑब्वियसली, और कुछ आता तुमको? यार ये इसको कोई लाइन नहीं दी। अबे यार ये टीवी सीरियल की लड़कियां हैं, इनको जब 3-3 लाख रुपए चुप रहने के मिलते साली डायलॉग क्या बोलेंगी? साले कुत्ते कमीने, लगाऊं क्या दो, बकवास बंद कर अपनी। ये तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे उस्ताद को कुत्ता बोलने की?
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।